हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन गेट नॉलेज स्प्रेड नॉलेज। दिस इज दिव्या माहेश्वरी। स्टूडेंट्स, आप सीख रहे हैं कंप्यूटर की फास्ट ट्रैक टू कंप्यूटर एप्लीकेशन का क्लास 9 का लेसन 5, जिसका नेम है स्टूडेंट्स विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मैनेजिंग विंडोज। हमारा टॉपिक रहेगा कि विंडोज को किस तरह से मैनेज करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स बिगिन। स्टूडेंट्स, व्हेन यू ओपन अ प्रोग्राम फाइल फोल्डर एटसेट्रा, इट ओपन्स इन अ विंडो। जब आप एक प्रोग्राम फाइल फोल्डर इत्यादि को खोलते हैं अपने कंप्यूटर में, तो वो अपने विंडो में ओपन होता है। यू कैन मैनिपुलेट अ विंडो इन अ नंबर ऑफ वेज। आप विंडोज को विभिन्न तरीकों से मैनिपुलेट कर सकते हैं। इट कैन बी मिनिमाइज्ड, मैक्सिमाइज्ड, रिस्टोर्ड, क्लोज्ड, रिसाइज एटसेट्रा। आप उसे मिनिमाइज कर सकते हैं, मैक्सिमाइज कर सकते हैं, रिस्टोर, क्लोज, रिसाइज इत्यादि कर सकते हैं। लेट अस लर्न टू परफॉर्म सम कॉमन ऑपरेशन ऑन अ विंडो। चलिए अब कुछ विंडोज में कुछ जो कॉमन संचालन होते हैं विंडोज के, वो सीख लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं स्टूडेंट्स मिनिमाइजिंग अ विंडो, एक विंडो को मिनिमाइज करना। वी कैन मिनिमाइज अ विंडो बाई क्लिकिंग ऑन इट्स मिनिमाइज बटन। हम एक विंडो को मिनिमाइज बटन जो उसमें अवेलेबल होता है, उसके मिनिमाइज बटन पर क्लिक करके मिनिमाइज कर सकते हैं। स्टेप्स टू मिनिमाइज अ विंडो, एक विंडोज को मिनिमाइज करने के लिए क्या करना होगा। फर्स्टली ओपन द पेंट विंडो बाई डबल क्लिकिंग इट्स आइकन ऑन द डेस्कटॉप। सबसे पहले एक पेंट विंडो को ओपन करते हैं, और किस तरह से ओपन करते हैं, डेस्कटॉप पर उसके आइकन पर डबल क्लिक करके, या फिर स्टार्ट बटन में जाकर भी आप कर सकते हैं। सेकेंड स्टेप में क्लिक ऑन मिनिमाइजिंग बटन। अब मिनिमाइज बटन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप मिनिमाइज बटन पर क्लिक करते हैं, तो क्या होगा, द विंडो विल सिट ऑन द टास्क बार इन द फॉर्म ऑफ अ स्मॉल बटन। तो विंडोज जो टास्क बार होता है, उसमें जाकर एक छोटे से बटन के रूप में बैठ जाएगी, वो वहां पर मिनिमाइज होके बैठ जाती है वहां पर। एंड स्टूडेंट्स, थर्ड स्टेप में पॉइंट टू द मिनिमाइज्ड विंडो बटन। मिनिमाइज्ड विंडो बटन जो कि टास्क बार में जाकर एक स्मॉल बटन में बैठ गया है, उस पर पॉइंट लेकर जाते हैं अपने कर्सर का। अ स्मॉलर व्यू ऑफ द मिनिमाइज्ड विंडो विल बी डिस्प्लेड। जैसे ही आप वहां पर पॉइंट करते हैं, तो वहां पर एक छोटा सा व्यू दिखाएगा मिनिमाइज विंडो का, जो कि डिस्प्ले हो जाएगा वहां पर। ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर दिखाया गया है कि ये मिनिमाइज होके इस तरह से एक स्मॉल व्यू दिखाएगा, एंड ये टास्क बार में जाकर यहाँ पर आ जाएगा। स्टूडेंट्स, यहाँ बताया गया है कि फोर्थ स्टेप में क्लिक द बटन फ्रॉम द टास्क बार। टास्क बार से बटन पर क्लिक करते हैं, जो बटन हमने मिनिमाइज किया है, द विंडो विल कम बैक टू द डेस्कटॉप इन इट्स ओरिजिनल साइज। और जैसे ही आप उस बटन पर वापस क्लिक करते हैं, तो वो जो विंडो मिनिमाइज हुई थी, वो अपने ओरिजिनल साइज में डेस्कटॉप पर वापस आ जाएगी। तो इस तरह से हम एक विंडो को मिनिमाइज कर सकते हैं। द मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज बटन आर लोकेटेड ऑन द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द विंडो ऑन द टाइटल बार। जो भी प्रोग्राम्स होते हैं, जिनकी भी विंडोज ओपन होती हैं, तो प्रत्येक विंडो के टाइटल बार में टॉप राइट कॉर्नर में मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन लोकेट होते हैं। स्टूडेंट्स, दीज बटन्स आर कॉल्ड द विंडोज कंट्रोल बटन्स। और इन बटन्स को क्या कहा जाता है, विंडोज कंट्रोल बटन कहा जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, मैक्सिमाइजिंग, रिस्टोरिंग एंड क्लोजिंग अ विंडो। एक विंडो को मैक्सिमाइज करना, रिस्टोर करना और क्लोज करना जान लेते हैं। लेट अस लर्न टू परफॉर्म दीज ऑपरेशंस विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स। चलिए अब इन संचालनों को निम्नलिखित स्टेप के द्वारा सीख लेते हैं। स्टेप्स टू मैक्सिमाइज, रिस्टोर एंड क्लोज अ विंडो। स्टेप्स जो कि मैक्सिमाइज, रिस्टोर विंडो को क्लोज करने के लिए होते हैं, वो फर्स्ट स्टेप होगा ओपन द पेंट प्रोग्राम विंडो। पेंट प्रोग्राम विंडो को ओपन करते हैं। सेकेंड स्टेप में क्लिक ऑन द मैक्सिमाइज बटन। मैक्सिमाइज बटन जो कि टॉप राइट कॉर्नर में होता है, उस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप मैक्सिमाइज बटन पर क्लिक करेंगे, द विंडो विल ग्रो टू इट्स फुल साइज। तो विंडो क्या होगी कि अपने फुल साइज में ग्रो करेगी, फुल साइज में ओपन हो जाएगी। ऑब्जर्व दैट द मैक्सिमाइज बटन हैज चेंज टू द रिस्टोर बटन। आप ऑब्जर्व करें कि जो मैक्सिमाइज बटन जिस पर हमने क्लिक किया था, वो अब रिस्टोर बटन में चेंज हो चुका है। थर्ड स्टेप में क्लिक ऑन द रिस्टोर बटन। अब रिस्टोर बटन पर अगेन क्लिक करते हैं, तो इससे क्या होगा, द विंडो विल कम बैक ऑन इट्स ओरिजिनल साइज बिफोर मैक्सिमाइजेशन। तो विंडो उसी साइज में आ जाएगी, ओरिजिनल साइज में, जो कि पहले मैक्सिमाइज से पहले थी। जब हमने मैक्सिमाइज किया था, तो वो ग्रो होके फुली फुल साइज में आ गई थी, लेकिन अब ये अपने ओरिजिनल साइज में आ गई है, जैसी पहले थी। एंड फोर्थ स्टेप में नाउ क्लिक ऑन द क्लोज बटन ऑफ द विंडो। अब विंडो के क्लोज बटन पर क्लिक करते हैं, इससे क्या होगा, इट विल क्लोज डाउन और डिसअपेयर फ्रॉम द डेस्कटॉप। तो इससे जो डेस्कटॉप पर विंडो ओपन थी, वो क्लोज हो जाएगी या डिसअपेयर हो जाएगी। आगे सीखते हैं स्टूडेंट्स रिसाइजिंग अ विंडो, एक विंडो को रिसाइज करना। यू कैन चेंज द साइज ऑफ अ विंडो बाय ड्रैगिंग इट फ्रॉम द साइड्स और कॉर्नर।
आप एक विंडो को जो उसका साइज होता है उसके साइज में को छोटा बड़ा कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं उसके साइज को। कैसे? बाय ड्रैगिंग इट फ्रॉम साइड और कॉर्नर्स, उसके कॉर्नर्स को या साइड्स को ड्रैग करके, किसी भी विंडो के साइड या कॉर्नर्स को ड्रैग करके हम उसके साइज को चेंज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो टू डू सो। ऐसा करने के लिए निम्नलिखित स्टेप नीचे दिए गए हैं, इन्हें फॉलो करते हैं। स्टेप्स टू रिसाइज अ विंडो, विंडो को रिसाइज करने के स्टेप्स इस प्रकार हैं। नंबर वन, ओपन द पेंट और एनी अदर विंडो। पेंट को ओपन कर लेते हैं या फिर कोई दूसरी विंडो भी ओपन कर सकते हैं आप। सेकेंड, इफ द विंडो इज मैक्सिमाइज क्लिक ऑन द रिस्टोर बटन टू सी इट्स एजेस। यदि विंडो मैक्सिमाइज की गई है तो उसके रिस्टोर बटन पर क्लिक करेंगे तो इससे उसके एज हमें दिख जाएंगे, उसके किनारे दिख जाएंगे, कुछ इस तरह दिख जाएंगे। जैसे ही हम रिस्टोर बटन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से एज दिख जाएंगे। थर्ड, ब्रिंग द पॉइंटर टू एनी कॉर्नर ऑफ द विंडो। अब विंडो के किसी भी कॉर्नर पर हमें पॉइंटर को लाना होता है। सपोज इस कॉर्नर पर ला सकते हैं, इस वाले कॉर्नर पर ला सकते हैं, इधर ला सकते हैं, इधर ला सकते हैं, जहां भी हम जहां से भी हम ड्रैग करना चाहते हैं वहां पर लेकर आते हैं। एंड फोर्थ स्टेप, ड्रैग द माउस डायगनली टू डिक्रीज और इंक्रीज द ओवरऑल साइज ऑफ द विंडो। अब माउस को डायगनली डिक्रीज या इंक्रीज करते हैं, जो भी साइज हमें विंडो का चाहिए, जिस तरह से भी हमें डिक्रीज करना है या इंक्रीज करना है, जिस साइड से भी वहां से ड्रैग करते हैं डायगनली। एंड फिफ्थ स्टेप में, टू रिसाइज ओनली द लेंथ और विथ ऑफ द विंडो, ड्रैग इट फ्रॉम द साइड। और यदि आप लेंथ या विथ से विंडो को रिसाइज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, ऐसा रिसाइज करने के लिए आपको उसी साइड से ड्रैग करना होगा। यदि आप लेंथ साइड से करना चाहते हैं तो आपको लेंथ साइड से ड्रैग करना होगा, विथ करना चाहते हैं तो विथ साइड से करना होगा। इस तरह से हमारी विंडो रिसाइज हो जाएगी। स्टूडेंट्स अब हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं, जितना भी हमने सीखा है इस वीडियो में। सो मैं विंडो से फर्स्टली विंडो बटन प्रेस करके कीबोर्ड से नाउ पेंट टाइप करते हैं। एंड स्टूडेंट्स पेंट ओपन कर लेते हैं। नाउ मैंने पेंट पर एंटर कर दिया है और यह पेंट विंडो ओपन हो चुकी है। अब आप देखेंगे यहाँ टॉप राइट कॉर्नर में आप देखेंगे दिस इज द मिनिमाइज बटन, दिस इज मैक्सिमाइज एंड रिस्टोर बटन, एंड दिस इज कट बटन। स्टूडेंट्स यहाँ पर यदि हम मिनिमाइज करना चाहते हैं, फर्स्टली हम सीखते हैं मिनिमाइज अ विंडो। इस विंडो को हम मिनिमाइज करते हैं तो हम यहाँ से जैसे ही मिनिमाइज करेंगे तो मिनिमाइज होने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ टास्क बार में ये आ चुका है आइकन, स्मॉल आइकन में। और ये देखिए यहाँ पर इसने व्यू भी दिखा दिया है, दिस इज द व्यू। जब हम किसी प्रोग्राम को विंडो को मिनिमाइज करते हैं तो वो मिनिमाइज टास्क बार में आ जाता है और एक स्मॉल बटन में आ जाता है और यहाँ व्यू दिखाता है। तो हम यहाँ पर वापस क्लिक करते हैं अगेन तो देखिए ये वापस विंडो ओपन हो चुकी है। नाउ स्टूडेंट्स मैक्सिमाइज बटन की बात करते हैं, दिस इज द मैक्सिमाइज बटन। और जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए ये फुल स्क्रीन में आ जाता है। और यदि हम वापस इसे रिस्टोर डाउन करना चाहते हैं तो हम इसी पर क्लिक करेंगे और ये रिस्टोर हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर इसके कॉर्नर्स दिख रहे हैं, ये देखिए यहाँ हमें कॉर्नर दिखेंगे। हम इसे किसी भी साइड से ड्रैग कर सकते हैं, इससे रिसाइज हो जाएगी हमारी विंडो। देखिए यहाँ से हम इसको क्लिक करेंगे, आप देख पा रहे होंगे। मैं इसको थोड़ा छोटा कर देती हूँ विंडो को, तब आपको दिखाती हूँ। देखिए यहाँ ये विंडो इस तरह से आप ड्रैग कर सकते हैं। और यदि आप यहाँ से करना चाहते हैं तो आप इस जगह जाकर जिस भी कॉर्नर पर आप जाएंगे उसे आपको ड्रैग करना होगा। और आपको ड्रैग करना मैंने ऑलरेडी सिखा दिया है, ड्रैग करने के लिए आपको लेफ्ट बटन को प्रेस करे रखना है और जो भी आप ड्रैग करना चाहते हैं उसको ड्रैग करके माउस को ऊपर नीचे करके देख सकते हैं आप। देखिए इस तरह से ड्रैग हो रहा है। यदि आप इस तरह से ड्रैग करना चाहते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं ड्रैग, तो ये हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली भी आप ड्रैग कर सकते हैं, और मीन्स लेंथ और विथ से भी ड्रैग कर सकते हैं और कॉर्नर से भी कर सकते हैं। यदि आप इस कॉर्नर से इसे स्मॉल करना चाहते हैं तो साइज छोटा हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, यहाँ से इंक्रीज हो जाएगा। इसी तरह से आप इधर से भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स। और यदि आप इस विंडो को मूव करना चाहते हैं तो आपको इस विंडो पर माउस को ले जाकर क्लिक को, लेफ्ट क्लिक को, जो लेफ्ट बटन होता है हमारे माउस का, उसे प्रेस करे रखना है और जहां भी आप इसे पुट करना चाहते हैं वहां पर पुट कर सकते हैं और उसके बाद रिलीज कर देंगे माउस को। इस तरह से आप ड्रैग कर सकते हैं स्टूडेंट्स। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो क्लियर हो गया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेरी सो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगेन आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।